खुशी फैशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी फैशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अम्ब्रेला लहंगे का कटिंग। अगर लाइनिंग वाला कपड़ा हो क्रॉस लाइनिंग में, तो हमें अम्ब्रेला लहंगे में स्ट्रेट लाइनिंग कटिंग करना हो तो इसमें क्या क्या हमें बारीकी से खास ध्यान रखना है वो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और अम्ब्रेला लहंगे का लाइनिंग कौन सा यूज़ करना चाहिए और हमने कौन सा यूज़ किया है और उसका भी कटिंग आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ब्रेला लहंगे में, तो सबसे पहले ये लाइनिंग है। तो लाइनिंग हमने क्रेप रखी है और ये वाला जो है वो मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक में हमने देखते हैं कि इसमें क्रॉस लाइनिंग है। तो ये क्रॉस लाइनिंग है तो लहंगे में जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइनिंग आएगी। तो उसके लिए हमें इसका दोनों तरफ इसमें जॉइंट आएगा तो वो हिसाब से हमें कटिंग करना है। सिंगल साइड में अगर जॉइंट आ रहा है वैसे हम बनाएंगे तो लाइनिंग बैठेगी नहीं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ऐसे हम बनाएंगे दोनों यहाँ से, फिर अगर इस तरीके से करेंगे तो एक की लाइनिंग स्ट्रेट होएगी और दूसरे की लाइनिंग इस तरीके से आड़ी आ जाएगी। तो वो हिसाब से हमें ये दो टुकड़े पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही कटिंग करना है। लाइनिंग वाला अगर क्रॉस लाइनिंग वाला लहंगा है तो ये खास ध्यान हमें रखना चाहिए। और ये वाला जो लहंगा है उसका मेन फैब्रिक है 4 मीटर है और लाइनिंग का जो कपड़ा है अस्तर का वो हमने 3 मीटर लिया है क्योंकि ये प्लेन है और बड़े पन्ने का है, 3 मीटर हो जाएगा। इसमें साइड में भी प्लेन है वो भी हमें निकालना पड़ेगा तो वही हिसाब से ये 4 मीटर है। तो सबसे पहले हम अस्तर कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारे पास अस्तर है उसको हम इस तरीके से क्रॉस बिछा देंगे। तो हम इस तरीके से इसको बिछा देते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो 40 इंच की है। यहाँ से सिर्फ इतना ही हमें कपड़ा रखना है जो सिलाई में आएगा, बाकी ये भाग है वो पूरा ये वाला भाग इसी तरीके से रखना है कि यहाँ पे जॉइंट नहीं आए। तो सबसे पहले इसकी जो कमर है वो हम देख लेते हैं। तो 31 इंच है तो यहाँ पर हम उसके 4 पार्ट करेंगे, यानी कि 7.5 इंच आएगा, लेकिन हम थोड़ा और छोटा करेंगे क्योंकि यहाँ से राउंड में आएगा इसलिए। अब हम यहाँ से इस तरीके से नाप लेंगे तो 10 इंच पर मार्किंग आ रहा है तो 10.25 इंच पर सबसे पहले हम लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम नाप लेंगे तो 7.5 होना चाहिए। तो ये 7.5 हो गया। अब यहाँ से लेंथ नापेंगे तो सबसे पहले 1 इंच का बेल्ट आएगा तो बेल्ट का हम अलग कर देते हैं, उसके बाद जितनी लेंथ है उतना ही हम मार्किंग करेंगे। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है थोड़ा फॉल्ट होगा तो वही हिसाब से, और नेट है तो ज़्यादा ऊपर नहीं रखना चाहिए। वही हिसाब से हम जितनी भी लेंथ है लेंथ टू लेंथ ही रखेंगे। और यहाँ पर अब हम यहाँ से नाप लेंगे तो यहाँ से ये टोटल कितना हुआ देख लेने का कभी भी, क्योंकि ये पॉइंट है वहाँ से अगर हम लेंथ का नाप लेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, और यहाँ से अगर हम नाप लेंगे तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ये 49 इंच यहाँ से हुआ तो अभी यहाँ इसको पकड़ के रखना है और 49 पूरे में हम इस तरीके से रख देंगे। तो ये जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो बचा हुआ है कपड़ा तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा तो हम जॉइंट अभी कटिंग कर लेंगे। तो जॉइंट भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे।
तो ये जॉइंट भी कटिंग हो गया। तो अब जब भी हम स्टिच करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक जॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ये वाला जो जॉइंट है इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये वाला जो भाग है वो एकदम कंप्लीट कटिंग हो गया है अस्तर का। अब मेन फैब्रिक कैसे कटिंग करते हैं वो देख लेते हैं क्या है। तो आमतौर पर हम दोनों ही जिस तरीके से ना अस्तर का कटिंग किया वैसे ही अम्ब्रेला का कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें ये जो पार्ट है वो लाइनिंग है वो क्रॉस है, वो क्रॉस लाइनिंग की वजह से हमें इस तरीके से अलग अलग जो सिंगल सिंगल पार्ट है वो दोनों ही पार्ट हमें अलग अलग कटिंग करने पड़ रहे हैं। बाकी ये जो है वो इस तरीके से हम कटिंग नहीं करते हैं आमतौर पर अम्ब्रेला। और इसमें जॉइंट भी जो है वो बड़े बड़े आएंगे। तो यहाँ से हमने इस तरीके से रख दिया, सिंगल सिंगल पीस ही हम कटिंग करेंगे। तो हम जो अभी है एक ही साइड किस तरीके से करते हैं वो देख लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ का सेम ही कटिंग करना है। तो एक तरफ का हम देख लेते हैं कैसे कटिंग करना है। तो ये लाइनिंग है वो स्ट्रेट आएगी, तो वो हिसाब से हमें दोनों ही भाग इस तरीके से वन बाय वन हमें कटिंग कर लेना है, ताकि इसकी जो लाइनिंग है वो स्ट्रेट लाइनिंग आए। तो यहाँ पर अब ये लाइनिंग है वो हम इसके ऊपर बिछा देंगे, और यही सेम टू सेम मेजरमेंट है वो दोनों का सेम आ जाएगा। तो यहाँ से हम अभी ये वाला भाग है वो कटिंग कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर बेल्ट का एक इंच छोड़ कर लेंथ नापेंगे तो 40, और ये 2 इंच हम फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा छोड़ेंगे यानी 42 रखेंगे। तो हमें इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हमें अंदाजा आ चुका है कि कितना कटिंग करना है। तो इतना हम तो ये जो है अम्ब्रेला लहंगा वो हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से ये जो प्लेन भाग है वो हमें निकाल देना है। तो ये प्लेन भाग भी हमने कटिंग कर लिया। अब इसमें भी यहाँ पर जो प्लेन भाग है वो हम कटिंग करेंगे, उसके बाद लहंगे का जो जॉइंट है वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना कितना प्लेन है। तो इतना प्लेन है, तो ये जितना भी प्लेन है वो हमने इस तरीके से यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम जॉइंट कटिंग करेंगे। तो यह लाइनिंग मिलाने के लिए ये वाला जो हिस्सा है बड़े वाला वो हमें इस तरीके से रखना है। और इसके बाद अभी ये वाला जो हिस्सा है जॉइंट का वो हम देखेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट इसको सबसे पहले कटिंग करेंगे, और इसके बाद यहाँ से ये राउंड है वो हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला जो भाग है वो हम कटिंग करेंगे। तो ये वाला भाग भी हमने कर लिया है कटिंग। अब हम कहाँ से ये जॉइंट को कटिंग करना है वो यहाँ से एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें कटिंग करना है, तो ये वाला मार्किंग और यहाँ पर यहाँ से होगा। तो ये दो मार्किंग हमने कर लिए, अब इसको सिंगल भाग कर देते हैं। तो ये सिंगल हो गया।
ताकि ये जो लाइनिंग है उसको हम मिला सके। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम जॉइंट भी लगाएंगे तो ये जो लाइनिंग है वो लाइनिंग हमें मिलानी पड़ेगी, तो वो मिलनी चाहिए। अगर वो लाइनिंग नहीं मिलेगी तो ये जो जॉइंट है उसका वो कोई मतलब नहीं रहेगा नहीं। तो यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा क्रॉस में कटिंग करना पड़ेगा। तो अभी कटिंग कर लेते हैं, जब सिलाई लगाएंगे तब खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो ये जॉइंट कटिंग कर लिया। तो दूसरा वाला जो इसका हिस्सा है उसमें भी इसी तरीके से हम जॉइंट कटिंग करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप अम्ब्रेला लहंगा कटिंग करना चाहते हैं और हमारी मेथड से अगर आप कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, तो आप बनाकर हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हमारे जितने भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जल्दी से जल्दी आप सीख पाएंगे नए नए डिज़ाइनर कुर्ती, लहंगा और गाउन। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।